पूरी दुनिया में फैले हुए मेरे छोटे बड़े सब दर्शक मित्रों को डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का जय गिरनारी। भारत भर के दत्त उपासकों सदियों से गिरनार पर आते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा को मिलने के लिए ब्रह्मलोक जाना पड़ता, विष्णु को मिलने के लिए वैकुंठ जाना पड़ता, शिव को मिलने के लिए कैलाश जाना पड़ता, लेकिन यह तीनों को मिलने के लिए आपको गिरनार जाना पड़ेगा। नाथ सिद्धों का दत्त उपासना का बड़ा केंद्र गिरनार है। हमारे दत्त भक्त माकसर सूद पूनम को दत्त जयंती के रूप में मनाते हैं। यहां गिरनार में नवनाथ और 84 सिद्धों का स्थान है। सिर्फ पर्वतराज गिरनार का दर्शन मात्र से मन हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और आदमी भाव विभोर बन जाता है। गिरनार में किसी भी आदमी श्रद्धा से जाएगा वह कभी निराश नहीं होता। इसलिए हमारे कवि श्री मकरंद दवे ने गिरनार को मुक्तात्माओं का वतन कहा है। कमंडल कुंड के साथ भगवान गुरु दत्तात्रेय का बेजोड़ अटूट संबंध रहा है। यहां भगवान दत्तात्रेय हर हमेश अखंड बस रहे हैं। यह जगह दत्तात्रेय की तपोभूमि रही है। उसकी पावन स्मृति में यहां भगवान दत्तात्रेय का तप स्थान पर अखंड धूणा सदियों से प्रज्वलित रहा है। इस जगह को आज लोग कमंडल कुंड नाम से जानते हैं। कमंडल कुंड के नामकरण के लिए हमें एक कथा मिलती है। भगवान दत्तात्रेय अपने माता पिता अत्रि ऋषि और माता सती अनसुया की आज्ञा लेकर गिरनार में आ गए। गिरनार उसको इतना पसंद आ गया तो दत्तात्रेय का मन यही ही साधना करने के लिए लालायित हो गए और गिरनार में ही रुक गए। लेकिन जहां रुके वहां इतनी ऊंचाई पर पानी की बहुत कमी थी। तब भगवान ने क्रोध में अपना कमंडल फेंका और जो कमंडल पत्थरों से टकराया वह जगह फटी और वहां खुद गंगा जी प्रकट हुए और भगवान दत्तात्रेय को वरदान दिया कि जा, यह जगह पर लोगों की तृषा सुधा टालने के लिए हर हमेश पानी मिलता ही रहेगा। आज यह जगह पर कमंडल कुंड में बड़ा कुंड है और उसकी चारों ओर उसको बांध के ठीक बनाया है। लेकिन कमंडल गिरा था उस जगह पत्थरों में उसका निशान दिखाया जाता है। भक्तों में कमंडल कुंड का पानी गंगा जैसा ही पवित्र माना जाता है और हमारे पुराने 100 साल वाले दस्तावेजों से पता चलता है कि गिरनार में सबसे उत्तम पानी कमंडल कुंड का है। आप लोग गोरख टूक से आगे सीढ़ी उतरते ही दाई बाजू कमंडल कुंड आया है, वहां जा सकते हो। आजकल तो वहां कमंडल कुंड नाम वाला बड़ा दरवाजा बनाया गया है। कमंडल कुंड वाली जगह में 5-7 कमरे वाली सुविधा है। एक कमरा में धूणा है। कमंडल कुंड की जगह का एक बार महारानी अहल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अहल्याबाई ने जहां जहां धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया वहां त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया था। यहां भी दरवाजे पर त्रिशूल अंकित किया गया है। कमंडल कुंड वाली जगह में एक कमरे में धूणा के पास अखंड ज्योत बरसों से जलती रखी गई है। धूणा वाले कमरे में पुराने काल में गुफा थी ऐसा कहा जाता है। आजकल वहां 4 ताक वाला कमरा बनाया गया है।
धुणा वाला कमरा की बाहर गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति रखी गई है। वहां प्रसाद और भेंट चढ़ाई जाती है। कमंडल कुंड जाता हर भक्तजन यहाँ का पवित्र धुणा की विभूति अपने घर ले जाते हैं। यह धुणा को हर सोमवार के दिन 7 बजे खोला जाता है और उसकी भस्म हटाते ही उसमें प्रज्वलित अग्नि देवता का दर्शन होता है। सोमवार के दिन 9 बजे तक यह धुणा खुला रहता है। धुणा की पूजा आरती करने के बाद फिर भस्म को भस्म से ही अग्नि को ढंक दिया जाता है। यह धुणा की हर दिन शाम के वक्त पूजा होती है। विख्यात इतिहास लेखक और ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स टोड 1822 में कमंडल कुंड की जगह पर आया था। तब वहां 120 साल वाले साधु महात्मा का उनको दर्शन हुआ था। कमंडल कुंड की जगह पर 1000 साल से सदा व्रत चलता है उसका हमें ठोस प्रमाण और दोहरे मिलते हैं। इतनी ऊंचाई पर मुफ्त में सब यात्रियों को भोजन करवाना ये बड़ी धर्मशीलता और भारतीय संस्कृति की भोजन की परंपरा और दत्त भक्तों की बड़ी भक्ति का प्रमाण है। आपको कमंडल कुंड का सदाव्रत के लिए मैं दूसरा वीडियो में बात करूंगा। कमंडल कुंड और दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्रियन लोग और राजस्थानी लोग बहुत संख्या में आते रहते हैं। हर पूनम के दिन यहां मेला जैसा वातावरण हो जाता है और पूरी रात तक गिरनार की सीढ़ियों पर लोगों की आवन जावन चलती रहती है और भजन धुन सब हम सुनते सुनते ऐसी चंद्रमा की शीतल छाया में गिरनार की रोशनी जंगल की आह्लादक वातावरण की मजा लेते लेते सब यात्री यहाँ आते रहते हैं।